देखो ये तो मैंने पहले ही देख रही हूँ, क्योंकि ये तो अपने आप एक अलग फील आते हैं, वो क्लासिकल टाइप की, वो खुद आपको जो उसके बाद विक्टोरिया चला गया, बहुत ही इंजॉय। सो गुड मॉर्निंग, आज शुरू करते हैं नया वीडियो, और नए वीडियो में सबका स्वागत है। और एक बात है, आज मैं जा रही हूँ कोलकाता। कोलकाता मेरा घर से करीब करीब 3 घंटा लगेगा, ठीक है, 3 घंटा की आप। तो आज थोड़ा क्लाउडी डे है और बारिश भी पड़ रहा है अभी, ठीक है ना। तो मुझे भी पता नहीं क्या होगा, ठीक है, सब जुड़े रहो और बात करते उसके बाद, क्योंकि बारिश अभी पड़ रहा है, आप सब देख पा रहे हो। नंदकुमार की एक एरिया है, यहीं से डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जा रहा है हल्दिया और उस साइड तमलुक, और ये जो साइड पे लेफ्ट साइड पे मैं जा रही हूँ ये जा रहा है कलकत्ता, ठीक है। चलो आज की वेलकम सभी को, और शुरू करते कोलकाता की जर्नी। और सिर्फ कोलकाता में जा रही हूँ ऐसा मत, ऐसा नहीं कि पेंटर तो जा रहा है तो पेंटिंग की कुछ सामान भी लेके जा रहा है, तो कोई बात नहीं, चलो शुरू करते हैं आज की जर्नी और आप सब जुड़े रहो, बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप सब प्यार दे रहे हो, सब ऐसे ही प्यार देते रहो, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मेरा प्लानिंग जो है आप सबको पता चुकी हूँ, मैं ना घूमना घूमने की कोशिश करूँगा, और 2 स्टूडेंट को भी मैं बताया कि वही का सब आ जाए तो उसका साथ भी हम बात कर लेते हैं, आप सबको दिखाऊंगा भी, ठीक है। चलो फिर चलते हैं और इंजॉय करते रहो। एक्चुअल धूलागढ़ क्रॉस करके हम सब आ रहे हो, अभी कहाँ पे है मुझे तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हम सब 5 गए थे उस टाइम हावड़ा के बीच पे, और आप सब तो जानते होंगे कि ये जो ब्रिज एक्चुअल बहुत फेमस एक प्लेसेस है कोलकाता की, और चलो देखते रहो और इंजॉय करते रहो, ठीक है, चलो चलते हैं।
फिर बात करते स्पॉट सिलेक्शन करके, ठीक है। अभी पेंटिंग करने के पहले तो बहुत एनर्जी ख़त्म हो गया, तो इसीलिए खाने के लिए हम सब आ गया एक दुकान पर, और यहीं पे खा रही हूँ। वो मटन है और एक रोटी और एक सब्जी, ठीक है। चलो खा लेते हैं। और एक कार्ड रहा है, देखो जो पहला स्पॉट है वो है ये, देख सकते हैं। और ये देख करके मैं पहले ड्राइंग कर लेती हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। चलो देखो, अभी तो मेरा ड्राइंग ख़त्म हो गया और आपको दिखा रहा हूँ मैं कि ये मेरा ड्राइंग का ख़त्म कर लिया मैं। तो उस दिन मैं बताने भूल गया था कि मैं कौन सा क्या यूज़ करती हूँ। ये जो ग्लासेस है ये सब की सब हार्ड एसेंशियल्स का है, और ये प्लेट देख सकते हो कि मिजालो का है, और ये जो कलर है बहुत सारी कैमल है और वाइट नाइट भी है और न्यूटन का भी है। ऐसे बहुत सारे कलर यूज़ कर रही हो। और ये जो पेपर है, ये बाहोंग नाम का एक पेपर होता है, तो बाहोंग में यूज़ कर रही हूँ अभी ये जो वीडियो में। एक चीज़ है मेरा पास बाहोंग, और सब आर्ट एसेंशियल्स का है, और यही बात है। और पानी का बॉटल, चलो शुरू करते हैं अभी।
देख रहा है मेरा पेंटिंग और बन गया ये पेंटिंग। एक्चुअल थोड़ा डार्क ही टाइप का थे इसीलिए ऐसा बन गया। अभी थोड़ा ज़्यादा लाइट आ गया, मुझे अभी लग रहा है कि ऐसे करूँ, लेकिन हो गया क्या करूँ, तो उल्टी तरफ लाइट थे। तो चलो ये तो बन गया मेरा एक पेंटिंग, उसके बाद देखते कि नेक्स्ट पेंटिंग कौन सा बनते हैं। ठीक है चलो। इतना बिजी एरिया देखो, और यहीं पे सिलेक्ट करके मैं तो स्टार्ट कर दिया। देखो ड्राइंग ख़त्म कर लिया और कलर शुरू करते, क्योंकि अभी अच्छा है कि 2:45। ठीक है अभी स्टार्ट करते हैं। और मेरे साथ बहुत सारी है, वहीं पे दीपक सागनी काम कर रहे हैं, यहाँ पे पंकज सब स्टूडेंट्स है। चलो फिर उस सब के साथ मिला देते हैं बाद में, पहले काम ख़त्म हो जाए। ठीक है चलो। पर्सपेक्टिव पे मैं ले लिया ये, ज़्यादा डिटेल पे नहीं किए हैं, और वहीं पे लाइट है, वो लाइट लेकर के थोड़ा काम करूँगा। ठीक है चलो शुरू करते हैं। Thank you.
सच में ये बच्चे तो बहुत ही खुश हो गया था और मैं भी उसको देख कर खुश हो गई थी और एक्चुअल वहीं पे ख़त्म किया है पेंटिंग और उसके बाद हम सब दो चार सेल्फी लिए। उसके बाद आ गए हम सब घूमने और इवनिंग भी हो गया था। उसके बाद घर आने की पहले विक्टोरिया देखने के लिए गए थे और वहीं पे नज़र में और एक चीज़ मिल गया। देखो ये तो मैंने पहले देख रही हूँ क्योंकि ये ऐसे भी होते हैं, मुझे तो पता नहीं था। तो आप सब देखा है तो ज़रूर कमेंट करके बताओ। और उसके बाद हम सब चले गए थे एक्चुअल बाइक लेकर के कोलकाता और इवनिंग के उस जो लाइट और अंधेरा में जो एक्चुअल जो फीलिंग आता है ना कि आपको अपने आप एक अलग फील आता है वो क्लासिकल टाइप की, तो खुद आपको जाना होगा नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा वो क्या चीज़ है। चलो उसके बाद हम सब चले गए थे विक्टोरिया की गेट, तो सारी ट्रैफिक थे तो काट कर दिया और एक्चुअली रिकॉर्डिंग अलग से अलग टाइम कर रही है इसलिए उस टाइम मेरा माइक सेट करने के मैं भूल ही गया था कि सेट करना है। उसके बाद विक्टोरिया चला गया, बहुत ही एंजॉय किया। कमेंट करके बताना कि टोटल कूल डे की जो एक्चुअल मज़ा आप सबको कैसा लगा, और आप कमेंट करके जरूर जो भी करना देखो एक लाइक तो मिल रहा है, प्यार भी मिल रहा है। अब एक कमेंट करके बताने से क्या होगा कि और भी अच्छा लगेगा कि आप कुछ कह रहे हो मुझसे, और वो तो अलग बात है। अब देखते हैं कि विक्टोरिया की जो ब्यूटी है वो तो कैसे है। चलो हम सब देखते हैं। और वो
सेकेंड ब्रिज से देखो कि हावड़ा ब्रिज की जो नाइट सीनरी है वो भी आपको मिल जाएगा। और तब तक के लिए गुड बाय। कैसे लगा वीडियो, सुनते जुड़े रहो, ऐसे बहुत सारी एडवेंचर टाइप। चलो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अच्छा लगे तो वही बात है। चलो गुड बाय।